ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉइंट चार्ज से स्टार्ट हुआ था। हमने कूलम लॉ किया, कूलम लॉ पॉइंट चार्ज पे लगाया। फिर कूलम लॉ करने के बाद हमने थोड़ा सा और लेवल को इंक्रीज़ किया, रॉड और पॉइंट चार्ज के ऊपर कूलम लॉ लगाया। रॉड और पॉइंट चार्ज करने के बाद रिंग और पॉइंट चार्ज पे लास्ट टाइम लगाया। फिर कुछ पीरियोडिक मोशंस को भी डिस्कस किया कि शायद कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन या पीरियोडिक मोशन के अंदर कैसे डिटेक्ट करना है कि या चेक करना है कि चार्ज SHM में है या नहीं है, ये हमने डिस्कस किया। अब फिर कंटिन्यू करते हैं। ये शीट नंबर 3 है शायद आपकी हैंड रिटन शीट में, शीट नंबर 3। ये रॉड वाली प्रॉब्लम हमने कर ली थी। एक प्रॉब्लम थी इसमें, ये प्रॉब्लम है। इसके अंदर आपको कुल मिला के 3 चार्जेस गिवन है। पहला चार्ज गिवन है -Q3, दूसरा चार्ज गिवन है Q2, तीसरा चार्ज गिवन है -Q1, राइट। ये 3 चार्जेस आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो -Q1 है इस पे -Q3 ने एंड Q2 ने फोर्स लगाई है ना, क्योंकि जो -Q1 है इट इज़ सराउंडेड बाय 2 चार्जेस, उनमें से एक चार्ज -Q3 और दूसरा Q2 है। तो -Q3 ने भी फोर्स लगाई और Q2 ने भी फोर्स लगाई। एक क्वेश्चन बनता है कि चार्ज -Q1 के ऊपर नेट फोर्स निकालो। तो अगर क्वेश्चन है कि -Q1 के ऊपर नेट फोर्स निकालो, कौन लगाएगा फोर्स? एक फोर्स -Q3 इस -Q1 को अपने से दूर क्या करेगा? रिपेल। एंड Q2 -Q1 को अपने से पास क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो 2 वेक्टर यहां पे बनेंगे। पर उसने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि नेट फोर्स निकालो। उसने कहा फोर्स निकालो अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स निकालो। मतलब फोर्सेस तो 2 एक्ट कर रही हैं, ये भी कर रही है और ये भी कर रही है। उसने ये कहा क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स निकालो। अब एक्स एक्सिस के अलोंग एक फोर्स तो मुझे दिखाई दे रही है F12, वो तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग है। लेकिन जो F13 फोर्स है वो एक्स के अलोंग नहीं है, वो XY प्लेन में है। तो मुझे F13 का कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा इस एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो कॉम्पोनेंट आएगा उसमें F12 को ऐड करना पड़ेगा, तो नेट आंसर आएगा मेरे पास अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आपको फोर्स निकालनी है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? एक तो ये निकालनी पड़ेगी, ये तो है ही एक्स के अलोंग, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? बी का स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय बी का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? सिमिलरली -Q3 और -Q1 के ऊपर जो फोर्स है 1/4πε0 Q1 मैग्नीट्यूड Q3 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, बस पॉइंट ये है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक कॉस कंपोनेंट और एक साइन कंपोनेंट। क्योंकि मेरे को मेरा आंसर एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स क्या होगी? इन दोनों फोर्सेस का सम जो होगा वो नेट फोर्स के इक्वल होगी। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी एक्स एक्सिस के अलोंग वो इन दोनों का सम आएगा। अब इन दोनों के सम में F12 तो मुझे पता ही है, इसमें और इसमें फोर्स है ये रही 1/4πε0 Q1 Q2 बाई बी स्क्वायर। एंड इसका कॉम्पोनेंट क्या होगा? F13 का मतलब 1 और 3 के बीच में फोर्स। तो 1 और 3 की फोर्स भी मुझे पता है 1/4πε0 Q1 Q3 बाई ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये मेरे पास नेट फोर्स आ गई, कॉमन निकाल लेना इसमें से अलोंग एक्स एक्सिस। पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आप इसमें फोर्स निकालो, नेट फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग किसके प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा ऑप्शन आपको गिवन होगा कि ये फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, ये फोर्स इसके भी प्रोपोर्शनल है। तो 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उनमें से ये ऑप्शन गिवन था, तो आपने ये ऑप्शन को मार्क करना है।
मतलब मेरा काम क्लास में नेट फोर्स निकालने का है, प्रोपोर्शनैलिटी कौन किसके प्रोपोर्शनल होगा वो आपको ऑप्शन से अपने आप पता लग जाएगा। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक, और इसी शीट का एक, हाँ बोलो। तो वो फर्स्ट स्टेप फिर से बता दो, वो समझ नहीं आया कि वो F13 sin θ कैसे आया। फर्स्ट में क्या नहीं समझ में आया? तो वो जो आपने Fx लिखा है ना, उसमें इक्वल टू F13 sin θ वाला। नहीं नहीं F13 नहीं है, F13 है, 1 and 3, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3, ये रहा F13, ये है। तो इसके अंदर मैंने ये लिखा कि F12 का मतलब 1 और 2 के बीच में फोर्स, मतलब Q1 एंड Q2 के बीच में फोर्स, Q1 Q2 बाई बी स्क्वायर, ऐसे Q3 और Q1 के बीच में फोर्स, Q1 Q3 बाई ए स्क्वायर, ऐसे है। समझ में आ रहा है? ओके सर, यस सर। हाँ ठीक है, तो इस शीट में एक और क्वेश्चन पेंडिंग था, बोलो। हाँ जो एक जो फोर्स है इस माइनस को रिपेल किया, ठीक है, इस प्लस ने इस माइनस को अट्रैक्ट किया, लेकिन सारे फैक्टर तो माइनस क्यू वन पे ड्रॉ करने हैं ना, ऐसा है ना? माइनस क्यू वन ने कुछ नहीं किया, नेट फोर्स माइनस क्यू वन पे निकलेगी, तो क्यू टू ने माइनस क्यू वन को खींचा, अट्रैक्ट किया, तो वेक्टर मेरी तरफ, और इसने इस माइनस क्यू वन को रिपेल किया, तो इस तरफ वेक्टर ड्रॉ इस पे होने हैं। ठीक, तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो एक तो ये पॉइंट है इसमें, दूसरा इसके अंदर ना एक और क्वेश्चन था, जो ये क्वेश्चन था, ये वाला देखने में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है नहीं इतना। रिंग वाली प्रॉब्लम्स हम ये पहली बार नहीं कर रहे। अगर आप प्लस वन की बात करते हैं तो प्लस वन के अंदर ये रिंग वाली प्रॉब्लम सर्कुलर मोशन में एक बार डिस्कस हुई हुई है। तो सर्कुलर मोशन में एक सर्कल में रिंग घूम रही है तो वो टाइट हो जाती है, उसमें टेंशन निकालो, रिंग की टेंशन निकालो, ऐसी प्रॉब्लम की हुई है। सेकेंड रिंग वाली सेम प्रॉब्लम की थी सरफेस टेंशन के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, जब सरफेस टेंशन की प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग कहेंगे कि हमें याद नहीं, पता नहीं हमने की भी नहीं शायद। तीसरी प्रॉब्लम रिंग की अब करेंगे, चौथी करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट में, चार बार ये रिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज आप सीख लोगे तो सरफेस टेंशन और सर्कुलर की प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगी, मैग्नेटिक की भी हो जाएगी। आज मान लो अगर आप ये छोड़ दोगे तो हर जगह जहाँ पर रिंग दिखेगी ना वहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी। हालांकि मैं इसका एंड में शॉर्टकट बता दूंगा, आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड में एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद करेंगे इसका। बट अगर मैं सीधा कहूँ कि वो फॉर्मूला ऐसा होता है तो आप ये पूछ सकते हो फॉर्मूला कहाँ से आया, तो फिर उसके लिए डिटेल। और कल को थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया तो फिर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से मैं आपको पूरा डिटेल में ही समझाता हूँ कि एक्चुअल में रिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते कैसे हैं। सबसे पहली चीज़ आपको कि रिंग की प्रॉब्लम तो लास्ट टाइम भी की थी, तो इसमें क्या खास है? देखो वो अलग प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है रिंग इस तरीके से पड़ी हुई है और उसके एक्सिस पे एक चार्ज पड़ा हुआ है और वो मूव कर रहा है बिकॉज रिंग का चार्ज उस पॉइंट चार्ज को खींच रहा है। ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि सपोज करो आपके पास एक रिंग है, ओके, सपोज आपके पास एक रिंग है कुछ इस तरीके से, ये एक रिंग है, ठीक है, इस रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रहा कितना, कैपिटल क्यू, ठीक है, कैपिटल क्यू, रिंग के सेंटर पे एक चार्ज है पॉजिटिव स्मॉल क्यू। आप बस मुझे ये बताओ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को क्या करेगा, रिपेल, मानते हो ये चीज, स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू को क्या करेगा, रिपेल। और अगर मैं ये बोलता हूं कि ये रिंग इज इलास्टिक इन नेचर तो रिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, रिंग अगर रबर बैंड की तरह है या थोड़ी सी इलास्टिक है तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी साइज में,
क्योंकि आपने क्यू ने कैपिटल क्यू को रिपेल किया, तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ये तो नहीं होगा कि बड़ी होती जा रही है होती जा रही है फिर टूट गई, पता नहीं, ऐसा तो इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर स्मॉल क्यू चार्ज सेंटर पे है और कैपिटल क्यू हम इसे रिपेल करवा रहे हैं, तो रिंग अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन इसने अटेन कर ली, ठीक, मान लो यहाँ पर आके ये रुक गई। अब रबर बैंड में तो ऐसा होता ही ना, रबर बैंड के नीचे मास लगा दो, रबर बैंड क्या होगा, एक्सपैंड होगा और फिर एक पोजीशन पे आके रुक जाएगा। ये तो नहीं एक्सपैंड, टूट भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा टूट नहीं सकता, अगर ना टूटे इट इज इलास्टिक इन नेचर, तो क्या होगा उस केस में, रबर बैंड खींचेगा और रुक जाएगा। तो ऐसे ये भी रुक गया। तो ये रिंग जब अपने साइज से काफ़ी बड़ी हो चुकी है इक्विलिब्रियम पे, तो आपको ऐसा फील नहीं होता, इसमें टेंशन आ जाएगी, टाइट हो गया तो टेंशन आ जाएगी, रबर बैंड में भी टेंशन आ जाती है, स्ट्रिंग को खींचते हो तो टेंशन आ जाती है, इसमें टेंशन आ जाएगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन रिंग, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, फाइंड टेंशन इन द रिंग, पर आप रिंग में टेंशन निकाल दो क्या है। तो रिंग की ऐसी जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें एक ही टेक्निक है जिसमें टेंशन निकालनी होती है सर्कुलर रिंग्स की, वो कैसे निकलती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला पॉइंट क्लियर है, मुझको क्वेश्चन को छोड़ो कि शीट में क्या क्वेश्चन है, आप बस ये समझो कि आपको क्या निकालनी है, टेंशन इन द रिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको टेंशन निकालनी है तो स्टार्ट करते हैं कि सपोज करो ये एक रिंग है, ठीक है, इस रिंग के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज है, इस रिंग के सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज है। रिंग की टेंशन का मतलब रिंग की फोर्स निकालना, और रिंग की फोर्स निकालने का मतलब फोर्स इज वेक्टर, और वेक्टर कभी गोल तो होता नहीं, वेक्टर तो एकदम स्ट्रेट होता है। तो आपने क्या करना है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसका कि रिंग की इस टाइप की प्रॉब्लम जिसमें कोई टेंशन निकालनी होती है, आप इसका एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करें। मान लो ये एलिमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल, आपने एक पीस ले लेना है इसका छोटा सा, बहुत छोटा, ये बहुत बड़ा दिखाया है ताकि आखिरी स्टूडेंट को दिखे, अदरवाइज दिस एलिमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, कितना, डीएल, क्लियर है यहां तक। फिर आपने क्या करना है, आपने इसमें डीएल लेके, आपने इसमें डीएल लेके ये लो, इस डीएल एलिमेंट ने, इस डीएल एलिमेंट ने सेंटर पे, ये सेंटर है ठीक, सेंटर पे एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया, थीटा, इसने भी थीटा और यहां से ये भी थीटा, टू थीटा, टू थीटा। आप कहोगे टोटल एंगल थीटा ले सकते हैं, हाँ ले लो टोटल एंगल थीटा, तो आधा आधा क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू एंड थीटा बाई टू, तो यहां पर एंगल क्या बना, थीटा थीटा, क्लियर है यहां तक। इस रिंग के अंदर टेंशन है, टेंशन एक वेक्टर है, तो आप एक जैसे वो वेलोसिटी टेंजेंशियल बनती थी ना सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी टेंजेंशियल है, तो टेंशन भी टेंजेंशियल बनेगी, और टेंशन हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, तो एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यहां तक रूल क्लियर है, जब भी रिंग के अंदर टेंशन की प्रॉब्लम आएगी, पहला रूल कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, उस एलिमेंट ने एंगल बनाना है थीटा एंड थीटा, फिर टेंशन आपने टेंजेंशियल ड्रॉ करनी है, हो गया यहां तक। अगला पॉइंट, फिर आपने क्या करना है, ये आपका मान लो एक्स एक्सिस है कुछ इस तरीके से, और मान लो ये इसका, ये वाई एक्सिस की लाइन है कुछ इस तरीके से, ठीक। क्या हुआ इसका फायदा, फायदा ये हुआ कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ऑल्टरनेट एंगल, क्लियर है। तो अगर ये थीटा है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट मैथ्स में कितने एंगल पे होते हैं, 90, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बना, 90 माइनस थीटा, राइट, क्लियर है यहां तक। तो क्योंकि टोटल एंगल इनके बीच में 90, और ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस भी 90 पे होते हैं, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये एंगल भी एग्जैक्टली क्या बनेगा, थीटा, क्लियर है यहां तक। तो ये थीटा, और ऐसी अगर ये थीटा तो ये भी क्या बनेगा, थीटा। तो पॉइंट नंबर वन क्लियर है, ज्योमेट्री क्लियर है। तो पहला प्रोसीजर क्या है, रिंग ड्रॉ करो, एलिमेंट लो, टेंशन टेंशन टेडी इस तरीके से टेंजेंशियल लो, एक्स वाई एक्सिस लो, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर, ठीक है, यस सर। तो ये एक पॉइंट हो गया, राइट।
आपको भी इतना याद करना पड़ेगा कैसे कुछ चेंज हो गया, तो कुछ चेंज नहीं होगा, कोई कुछ चेंज नहीं होगा, यही स्टैंडर्ड है, ऐसे ही बनेगा हमेशा। आपको कि क्या फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन आने की, बहुत कम, बहुत कम, इतना कम कि मुझे खुद नहीं बता कि किस साल में कब आया था। आपको क्यों करवा रहे हो, क्या पता आ जाए, रिंकी प्रॉब्लम, ठीक है, तो मुझे तो पता नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं तो करवाऊंगा ही, और फिर इतना लंबा कैसे करेंगे, इसका आंसर याद करेंगे और क्या करेंगे, तो आंसर सीधा याद करवा दो, फिर आप पूछोगे कि हुआ कैसे, तो इसलिए पहले हुआ कैसे, फिर एक लाइन का आंसर है, सीधा आंसर दिया करेंगे, ठीक। पर अगर कल को क्वेश्चन चेंज हो गया या किसी और यूनिट के अंदर लगाना पड़ गया, अब कितने आंसर याद करवाऊंगा, या आप खुद आपको किसी दिन फील हुआ नहीं यार अब मुझे पढ़ना चाहिए, अब मुझे तो सीट निकालनी है, पढ़ोगे तो किताब पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन तो मिलेंगे, फिर उसके मेथड भी मिलेंगे, अब वो यार बड़ा लंबा क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा क्या किया, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक। तो ये टेंशन एंड टेंशन टी, अब टेंशन के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, पहला कॉम्पोनेंट टी का ये कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, टी कॉस थीटा, राइट, और नीचे की तरफ टी साइन थीटा, उसी तरीके से ये टी और ये टी कॉस थीटा और नीचे की तरफ टी साइन थीटा, राइट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब दूसरा पॉइंट, टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा वेक्टर एक दूसरे को कर गए कैंसल, कैंसल हो गया, ये एलिमेंट कितना बड़ा है, ये तो बहुत छोटा है, रियलिटी में ये एलिमेंट इज वेरी 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 स्मॉल, बहुत ही छोटा है। अब सोचो अगर ये एलिमेंट बहुत छोटा है, मैं छोटा बना रहा हूँ इसे, तो ये बहुत छोटा करने से ये एंगल्स भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और अगर ये बहुत छोटा डायग्राम बने तो टी साइन थीटा इतने दूर नहीं बनेंगे, थोड़े से पास हो जाएंगे, एंड इतने पास हो जाएंगे कि आपको अपीयर होगा कि वो कहाँ एक्ट कर रहे हैं, टूवर्ड्स सेंटर, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऐसे एक्ट करेगा कि ये 2t साइन थीटा फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, ऑलमोस्ट टूवर्ड्स सेंटर, ये पॉइंट भी क्लियर है यहाँ तक। अब इक्विलिब्रियम लाने के लिए नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो, एक्स एक्सिस की फोर्स तो हो गई कैंसल, नीचे की फोर्स कितनी है 2t साइन थीटा, अब ये क्यू ने इस एलिमेंट पे स्मॉल चार्ज कितना है, dq, टोटल चार्ज अगर q है तो एलिमेंट के ऊपर कितना है dq, तो इस q ने dq को क्या किया होगा, रिपेल बाय स्मॉल फोर्स df, इस df की वैल्यू क्या होगी, df की वैल्यू होगी 1/4πε0 dq into q पॉइंट चार्जेस, और मान लो इसका रेडियस अगर a है, डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिंग इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब df फोर्स अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा क्योंकि एक्स एक्सिस की फोर्सेस तो कैंसिल हो गई, तो वाई एक्सिस की फोर्सेस को भी मैंने इक्वेट कर दिया, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो कहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, पहली इक्वेशन क्या बनेगी वो समझ में आ गई कि रिंग एक्सपैंड हुई क्यों थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, अभी एक्सपैंड क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि 2t साइन थीटा ने उसे क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, क्लियर है। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, यहाँ क्यू डी क्यू को रिपेल कैसे कर रहा है, कह रहे हो, फिर से बोलो सर, यहाँ क्यू और डी क्यू की रिपल्शन कैसे हो रही है, ये पॉजिटिव नहीं है पॉइंट चार्ज, और ये भी तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो रिपेल करेगा, ओके सर, ठीक है। तो आपको ये लॉजिक समझ में आया पहले कि रिपल्शन की फोर्स एलिमेंट पे क्या होगी, ये समझ में आया कि रिपल्शन की फोर्स क्या होगी, और इसके अंदर इक्विलिब्रियम क्यों मेंटेन होगा, क्योंकि ऊपर की फोर्स इज बैलेंस बाय नीचे की फोर्सेस, ठीक है यहाँ तक, ये पहला रूल है। तो अगर कोई पूछे टेंशन निकालो, क्वेश्चन थोड़ा टेंशन निकालो, तो टेंशन निकालने के लिए ये क्वेश्चन से शुरू कर लेंगे और टेंशन को निकाल लेंगे। जब भी मैथ्स में एंगल छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो मैथ्स का रूल है कि साइन ऑफ स्मॉल एंगल कैन बी रिटन एज एंगल, साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, जैसे एंगल इतना छोटा है कि जीरो है तो साइन जीरो क्या होगा, जीरो, एंगल इतना छोटा है कि वो 0.1 है तो आंसर क्या होगा, 0.1, ये तब है जब एंगल बहुत छोटे हैं, और हमारे इस केस में एंगल सच में छोटे हैं, और अगर एंगल छोटे हैं तो यहां से df इज इक्वल टू 2t साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा,
ये रूल भी क्लियर है यहां तक? ठीक समझ में आ रहा है यहां तक? अब लास्ट रूल, दो चीजें और, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म। पहला रूल, डी एफ की वैल्यू में डी क्यू क्या होगा? ये रहा डी क्यू। अब डी क्यू स्मॉल चार्जर रिंग के ऊपर, रिंग के ऊपर चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? रिंग के ऊपर चार्जेस या किसी भी बॉडी पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? तीन तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या तो लेंथ वाइज, या एरिया वाइज, या वॉल्यूम वाइज। अगर मान लो आप रिंग लेते हो या थिन रॉड लेते हो, रिंग भी बाय डिफॉल्ट थिन ही होती है, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर आप बात करते हो किसकी, एरिया वाइज, जैसे डिस्क है, डिस्क के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? ओवर इट्स सरफेस एरिया। और ऐसी सॉलिड जो, जैसे कोई स्फेयर है, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? ओवर इट्स वॉल्यूम। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। तो अब इस केस में आपको क्या गिवन है कि टोटल जो लेंथ है, मान लो, अगर मान लो स्मॉल ए रेडियस है, स्मॉल ए रेडियस है इस रिंग का, तो लेंथ कितनी है रिंग की? 2πa। तो 2πa लेंथ है, तो चार्ज कितना है रिंग का? कैपिटल क्यू। तो 2πa लेंथ पे चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है? क्यू डिवाइडेड बाय 2πa। और हमारी लेंथ कितनी थी? स्मॉल। कितनी? dl। तो चार्ज कितना है? क्यू डिवाइडेड बाय 2πa इंटू कितना? dl। dl ये क्या आ गया? dq। तो dq समझ में आ रहा है? चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, डी क्यू आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? हमने रॉड के केस में भी बिल्कुल ऐसे ही यूज किया था। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि हमने इसमें क्या निकाला? हमने इसमें स्मॉल चार्ज निकाल लिया। कैसे निकाला? क्यू बाय 2πa इंटू डीएल। क्लियर है यहां तक? ठीक। तो जो फोर्स की प्रॉब्लम की बात हो रही थी ना, फोर्स की प्रॉब्लम में चार्ज क्या पुट करेंगे? डी क्यू। मैंने डी क्यू निकाल दिया, ठीक हो गया। अब लास्ट एक चीज और मुझे बतानी है, उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, कि वो ये पता नहीं क्या हो रहा है यार, छोड़ो। देखो, सपोज आपके पास, जैसे मैंने बताया कि ये एक रिंग है और ये छोटा सा एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है? डीएल, राइट। और ये टोटल एंगल कितना था? 2 थीटा। इसका रेडियस क्या था? ए। तो आपने सेक्टर सुना होगा, ये सेक्टर है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये सुना हुआ है। तो एंगल इसमें कितना है? 2 थीटा। आर्क कितनी है इसमें? डीएल। रेडियस कितना है? ए। तो आप 2 थीटा को डीएल बाय ए भी पुट कर सकते हो। तो जो मैंने इक्वेशन बनाई थी वो ये बनाई थी, डीएफ इज इक्वल टू 2t sin थीटा, अगर आपको याद हो तो डीएफ इज इक्वल टू 2t sin थीटा, ये इक्वेशन मैंने आपको बना के दी थी, राइट। इस इक्वेशन में डीएफ इज इक्वल टू 2t थीटा भी बनाया था मैंने। डीएफ की वैल्यू क्या थी? 1/4πε0 क्यू इंटू डी क्यू बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into theta into t। एक ही बात है, 2 थीटा पहले लिख लो। डी क्यू मैंने अभी आपको निकालना सिखाया, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू डी क्यू। डी क्यू क्या था? कैपिटल क्यू बाय 2πa इंटू डी एल इज इक्वल टू 2 थीटा। 2 थीटा किसके इक्वल है? डी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू टी। तो डी एल से डी एल क्या हो गया? कैंसल। निकाल लेना टी, आंसर आ गया टेंशन का, ये आंसर होगा टेंशन का। मेथड क्लियर है आपको? हो गया, अगर ये टेंशन पूछी जाए तो ये पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बैठ के पूरा खोलना पड़ेगा, और ये क्या, ये 2 थीटा एंगल उंगल नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बस पेपर में जाना, सीधा मार्क कर देना है। क्या मार्क करना है? टेंशन का फॉर्मूला, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाय ए का स्क्वायर, बस एक एक्स्ट्रा टर्म है नीचे, 2π। डन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो ऑब्जेक्टिव में सीधा आंसर याद हो गया, अब आपको 2π डिवाइड कर देना, आंसर हो गया। हाँ, हो गया, ठीक है। तो आगे से तो यही करेंगे हम, मेरे से पूछोगे तो मैं यही करूँगा, पर हाँ अगर कोई और चैप्टर में मुझे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़े, और मुझे कॉन्सेप्ट भी पता है कि कैसे लगाना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो टेंशन आ गई, अब इस ये सेम स्टेप जो मैंने करके दिखाए, सेम, ठीक है। ये देखो ना,
टू एफ डी एफ इज इक्वल टू टू टी थीटा, टू थीटा एंगल इज आर्क बाई रेडियस, पुट किया टेंशन आ गई। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, टेंशन निकल जाएगी। अब दूसरा पॉइंट है इसी के अंदर, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इस क्वेश्चन में सिर्फ टेंशन ही नहीं निकालने को कहा था, इस क्वेश्चन में आपको एक और कॉन्सेप्ट यूज करने को कहा गया जिसका नाम है यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस सुनते ही अब लोग सोचते हैं अच्छा ये प्रॉपर्टी वो इलास्टिसिटी भी यूज करवाएगा, कभी 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 कब कितनी बार, एक साल में एक बार, वो आज वही दिन है एक बार, उसके बाद इलास्टिसिटी यूज नहीं होगी, बस ये एक ही बार है ठीक। तो अब वो कहेगा कि एक जैसे रिंग है, मैं क्यों करवा रहा हूँ, देखो मैं क्वेश्चन फिर आसान भी कर सकता हूँ, आसान करने का तरीका है या तो समझा दो या उसको छोड़ दो, दो तरीके से आसान हो जाती है ठीक है, समझा के भी हो जाती है और शीट को हटा के भी हो जाती है, कैसे भी कर लो, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव करेंगे ना आपको दिखेंगे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको दिखेंगे, तो फिर आप मेरे पास लेके आओगे सर देखना ये रिंग की प्रॉब्लम, देखना कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर सा नहीं आ रहा है इसका, ये कैसे किया है इसने सॉल्व, तो मुश्किल मेरे को मुश्किल होगी। तो अब वो यंग मॉडल्स की प्रॉब्लम पूछेगा पक्का ऑब्जेक्टिव के अंदर, यंग मॉडल्स की एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर, क्या है यंग मॉडल्स, आपको कोई रिकॉर्डिंग सुनने की जरूरत नहीं है उसकी, एक लाइन बस सुननी है जो मैं समझाने जा रहा हूं, उससे यंग मॉडल्स समझ में आ जाएगा। यंग मॉडल्स के अंदर आपको ये बताया जाता था कि कोई भी अगर मान लो एक स्ट्रिंग गिवन है आपको, मान लो आपको एक स्ट्रिंग गिवन है ठीक है, या कोई भी एक एक रॉड है कुछ भी है, ये इलास्टिक इन नेचर है, इलास्टिक इन नेचर है, तो यहां पर इसकी लेंथ क्या है एल और फोर्स क्या है इसमें एफ एफ ठीक है। तो आपने क्या किया, इस रॉड को खींच के थोड़ा लंबा कर दिया, कितना लंबा कर दिया एल डैश कर दिया, तो इंक्रीज इन लेंथ, ये मान लो इंक्रीज इन लेंथ कितनी है इसमें डेल्टा एल, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर आप डेल्टा एल को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो डेल्टा एल बाय एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। यंग्स मॉडुलस कहाँ यूज होता है, यंग मॉडुलस का मतलब कोई मटीरियल इलास्टिक इन नेचर है, तो जो मटीरियल इलास्टिक इन नेचर है वहां पर कॉन्सेप्ट यंग मॉडुलस का यूज होता है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस क्या है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन क्या है इसमें डेल्टा एल बाय एल, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो याद हो गया इसमें, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में आपको यंग्स मॉडुलस निकालना है क्या इस पूरी वायर का, मतलब ऊपर जो क्वेश्चन चल रहा है फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर एंड क्या गिवन है आपको, रेडियस गिवन है वायर का स्मॉल ए, और आपको एक और चीज भी गिवन है और वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये भी गिवन है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि जब भी आप यंग मॉडुलस की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फोर्स एफ अप्लाई की जाएगी कहां पर, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, जैसे कोई भी अगर ये रिंग है, ये रिंग की वायर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो पाई ए स्क्वायर एरिया नहीं लेना आपने, आपने क्या लेना है वायर का क्रॉस सेक्शन का एरिया लेना है। क्लियर है यहां तक ठीक। तो अब वायर की टेंशन हम निकाल चुके हो, वायर के अंदर की टेंशन निकाल चुके हो, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर डिवाइड कर देंगे तो उसका स्ट्रेस आ जाएगा फोर्स बाय एरिया, यानी कि अगर मैं पूछूं इस मेरे इस क्वेश्चन में, मेरे इस क्वेश्चन में स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे टेंशन टी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्स बाय एरिया में फोर्स की जगह टेंशन, एरिया जगह क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है। तो मैंने पूछा कि यहां पर क्या निकालना है, यंग मॉडुलस निकालना है, तो यंग मॉडुलस में फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक ठीक है। यहां तक तो फॉर्मूला लिख दिया यंग मॉडुलस का। अब टेंशन टी हमने ऑलरेडी निकाल ली जो भी वो किया था, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव पे कैसा पूछा जा रहा है, अगर आंसर टी की फॉर्म में है तो टी की फॉर्म में छोड़ दो मत पुट करो, अगर वो बड़े फॉर्म में है तो टेंशन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहां पे आपको टेंशन की जगह, इनटू वायर की ओरिजिनल लेंथ क्या थी, उसका सर्कमफ्रेंस कितना, टू बाय ए, टू बाय ए, जब वायर बड़ी हो गई तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, 2 बाय इनटू ए प्लस डेल्टा ए, वेयर क्योंकि जब वायर बड़ी होगी तो रेडियस भी बड़ा हो जाएगा, पहले रेडियस कितना था ए, अब कितना ए प्लस डेल्टा ए, ये स्टेप क्लियर है यहां तक। तो नई लेंथ कितनी है 2 बाय ए प्लस डेल्टा ए, पुरानी कितनी है 2 बाय ए, क्लियर है यहां तक। तो इन्हें माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल। तो जहां पर डेल्टा, जहां पर लेंथ यूज होनी है, जहां पर क्वेश्चन में एल यूज होना है,
एल का मतलब ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 2 पाई a। डेल्टा एल कितना है, 2 पाई इंटू डेल्टा a। तो यहां से सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आएगा, या तो ऑप्शन में यही आंसर होगा तो टी की फॉर्म में मार्क कर देना, नहीं तो हो सकता है टेंशन की वैल्यू जो मैंने ऊपर निकाली थी वो पुट करनी पड़े और आंसर आपको मार्क करना पड़े। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस, ठीक है। आने का चांस रेयर है, इस शीट पे एनसीईआरटी, ये शीट नहीं एनसीईआरटी की, इसमें एनसीईआरटी में कुछ नहीं आएगा, शीट नंबर 3 जो कर रहे हैं नॉट फॉर एनसीईआरटी, इसमें कुछ नहीं आएगा, पॉइंट चार्जेस पे आएगा। इवन मैं अभी मेंस का पेपर देख रहा 2021 का, बाहर भी टेबल पे बुक पड़ी हुई है, पहले 3 क्वेश्चन पॉइंट चार्ज के ऊपर ही आए हैं मेंस के अंदर भी, कोई रॉड रिंग नहीं आई, पॉइंट चार्ज यार, Q1 Q2 Q3 तीन पॉइंट चार्ज है क्वेश्चन, तो इतना भी मुश्किल पेपर नहीं है। बट क्योंकि हम तो सारा ही करेंगे ना, हमें क्या पता आपके बारे में क्या आएगा, तो हम तो सारा ही करेंगे, अगर पॉइंट चार्ज आ जाए तो हमारा लक है, पॉइंट चार्ज आ गया तो ईजी लगेगा पेपर और क्या, ठीक। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ये शीट भी हमारी खत्म होती है, ठीक। नेक्स्ट जो शीट थी जो हमने डिस्कस करनी है, ऑब्जेक्टिव शीट थी, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 थी है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, कितने लोगों ने ट्राई की ये शीट, ओके चेक करते हैं, डाउट्स देते हैं, डाउट्स होंगे कुछ थोड़े से, देखो। तो इसके अंदर टू फर्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों को डाउट है कि नहीं समझ में आया कैसे करना है, कितने लोगों को समझ में आया कैसे करना है, अच्छा ठीक है। देखो सबसे पहली चीज, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपको, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा गिवन है कि दो चार्जेस हैं, एक क्यू और एक क्यू, स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में दो चार्जेस हैं, और ये एक तीसरा चार्ज है माइनस क्यू, जो किस में घूम रहा है, इन अ सर्कल, सर्कल में घूम रहा है, तो माइनस क्यू सर्कल में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, इस जो ए बी लाइन है, ये जो दो चार्जेस हैं, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में घूम रहा है, तो ये ए बी चार्ज बिल्कुल स्क्रीन पे ऊपर है, माइनस क्यू आउट ऑफ प्लेन, यानी कि इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है कुछ इस तरीके से, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो ए बी चार्ज जो है, वो जो दो चार्जेस हैं वो ए बी इस तरीके से पड़े हुए हैं, एंड माइनस क्यू चार्ज जो है वो इस तरीके से इसके अंदर घूम रहा है, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन ये है कि माइनस क्यू चार्ज घूम रहा है, माइनस क्यू चार्ज किस में घूम रहा है, इन सर्कल, सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रिपिटल, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी कि कौन प्रोवाइड कर रहा है इसमें सेंट्रिपिटल, और हमने फाइनली निकालना क्या है, हमने निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, जिसका सिंबल क्या होता है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी होगी उसकी वैल्यू किसके साथ इक्वेट की जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूलाज हैं, या तो एम वी स्क्वायर बाय आर है, या एम आर ओमेगा का स्क्वायर है, तो जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है मस्ट बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना है, ओमेगा, हालांकि मैं एमवी स्क्वायर बाय आर भी पुट कर सकता हूं, पर फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे को ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा के साथ काम करूंगा, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो एक काम करते हैं, पहले ये डिसाइड करते हैं कि इसमें सेंट्रिपिटल फोर्स इसको मिल कैसे रही है, तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे ये क्वेश्चन गिवन है कि ये दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस हैं, एक कैपिटल क्यू और एक कैपिटल क्यू, ऐसे तीसरा चार्ज माइनस क्यू कैसे घूम रहा है, इन अ सर्कल, इस तरीके से सर्कल में घूम रहा है, इसका रेडियस, इसका जो रेडियस है वो कितना गिवन है, आर, ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है डी, और ये भी कितना गिवन है डी, क्लियर है यहां तक। अब माइनस क्यू को फोर्स कौन लगाएगा, इसके सराउंडिंग चार्जेस, सराउंडिंग में कौन है, एक कैपिटल क्यू और एक कैपिटल क्यू, दो चार्जेस, कितनी लगाएगा, ये कैपिटल क्यू माइनस क्यू को
अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। उसी तरीके से ये कैपिटल क्यू भी इस माइनस क्यू को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा निकाल लेते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये फोर्स अगर एफ है तो इस एफ का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड में क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, अगर ये डी है ये आर है तो ये क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वालों को? क्लियर है ये? यस सर। ठीक, तो इसमें ये टर्म आ गई आपके पास। ठीक है, अब उसी तरीके से ये सेम फोर्स यहां भी एक्ट करेगी, राइट। एक काम करते हैं, इसमें इसके अंदर जैसे सपोज ये मान लेते हैं आपका एक्स एक्सिस है, कुछ इस तरीके से इसके लाइन के पैरेलल बना रहा हूं बस मैं, सच दैट अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ऐसी अगर ये थीटा है बाय सिमेट्री तो ये भी क्या होगा, थीटा। क्लियर है यहां तक? थीटा थीटा क्लियर है, राइट। और लास्ट ये फोर्स एफ है तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा, और नीचे क्या बनेगा, एफ साइन थीटा। उसी तरीके से इस एफ का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और नीचे की तरफ एफ साइन थीटा। ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स इस कंपोनेंट को क्या कर गया, कैंसल। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितनी है, 2f साइन थीटा। और सेंटर की तरफ जो फोर्स है जो एक्ट करती है किसी भी पार्टिकल को, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रिपेटल फोर्स। क्लियर है? तो इसमें सेंट्रिपेटल फोर्स कितनी है, 2f साइन थीटा। कॉस कॉस कंपोनेंट आपस में क्या कर गए, कैंसल। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 2f साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर। क्या ये रूल क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये इक्वेशंस से आपका आंसर आएगा, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एक चेक करता हूं। ठीक है, ये देखो, तो एग्जैक्टली मैंने यही किया, इसमें 2f साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर। f की वैल्यू जो मैंने आपको कही वो पुट कर दें, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, दिस हाइट, ये हाइट कितनी है r, और दिस हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये साइन थीटा पुट कर दिया, एम आर ओमेगा का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज आपको ऑलमोस्ट सारी गिवन होंगी, चार्ज पता है, d पता है, r पता है, d पता है, मास पता है, ओमेगा नहीं पता, तो यहां से ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड। चेक करना पड़ेगा, मैंने चेक नहीं किया, बट आपको मेथड क्लियर है कि कैसे इसे सॉल्व करना है। बोलो, मैंने किया नहीं यार, मैंने सीधा लिखा हुआ है। कितना आ रहा है आंसर इसका, 400 आ रहा है। आंसर आप एक बार चेक कर लेना, वैसे मुझे पता नहीं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, एक बार चेक करना। साइन थीटा में ये हाइट कितनी है आर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा लेना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ये लेना है, ये और ये, तो ये कितना है आर, और ये कितना है, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस। तो साइन थीटा क्या होगा, आर डिवाइडेड बाय दिस, ये पुट किया है। तो टू फोर्स की जगह ये पूरी फोर्स, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, ऐसे। ठीक, तो चलो ये कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आता है कि कैसे करना है। इसके अलावा जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही हैं, वैसे सारी शीट ही मेरे ख्याल से पॉइंट चार्ज के ऊपर है ये। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या इसमें लिखा हुआ था, यूनिट चार्ज चेक लिखा हुआ है, ओके। तो कितने लोगों को डाउट है इसमें, यूनिट चार्ज ये निकल गया क्वेश्चन,
डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, ओके, सही है, ठीक है, डायरेक्शन बतानी थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट? 4 भी क्लियर है? यस सर। डाउट है, डाउट है, अच्छा ठीक। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए एज शोन। तो इसके अंदर आपको क्या गिवन है, तीन चार्जेस हैं। पहला जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू यहां पे है, यहां पे है एंड यहां पे है, तीन चार्ज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल एट वर्टेक्स ए, इसके ऊपर फोर्स इन डायरेक्शन बी सी, ये बी सी है यानी कि एक्स एक्सिस, वो कह रहे हैं ए पार्टिकल के ऊपर फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी, नॉर्मल टू बी सी, आई एम सॉरी, नॉर्मल टू बी सी, ओके। तो नॉर्मल टू बी सी, नॉर्मल टू बी सी इज क्या होगी, ये क्वेश्चन में निकालना है, ओके। उसने ये पूछा कि इसके ऊपर चार्ज पे फोर्स किसने लगाई, क्यू एंड क्यू ने लगाई, नेट फोर्स लगाई होगी, पर मेरे को नेट फोर्स चाहिए नहीं, मेरे को फोर्स किस पे चाहिए, मेरे पे, मेरे को इस पे फोर्स चाहिए और अलोंग क्या चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए, क्यों, परपेंडिकुलर टू बी सी। तो परपेंडिकुलर टू बी सी वाई एक्सिस में फोर्स क्या होगी ये बताओ। एक काम करो, फोर्स होगी क्या पहले इसको एक बार चेक करते हैं। देखो सब पहली चीज, इसमें एक चार्ज माइनस क्यू ये रहा, एक चार्ज प्लस क्यू ये रहा, गिवन है, एक चार्ज प्लस क्यू ये रहा, ये भी गिवन है, क्लियर है। सबसे पहला रूल, इस प्लस ने इस प्लस चार्ज को क्या किया, अपने से दूर रिपेल किया, क्या ये पॉइंट क्लियर है, कैपिटल क्यू ने कैपिटल क्यू को रिपेल किया, क्या पॉइंट क्लियर है, माइनस क्यू ने कैपिटल क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ये पॉइंट भी क्लियर है। तो एक फोर्स इसके ऊपर अगर नेट फोर्स पूछी जाए तो कौन लगाएगा, एक ये लगाएगा और एक ये लगाएगा, तो इसने इसको रिपेल किया और इसने इसे अट्रैक्ट किया, रूल नंबर वन क्लियर। आपको जो फोर्स निकालनी है वो वाई एक्सिस में निकालनी है। एक काम करो, वैसे तो हम इसके इसको पैरोग्राम से नेट फोर्स निकाल सकते हैं, पर उसने नेट फोर्स पूछी नहीं, उसने फोर्स पूछी अलोंग वाई एक्सिस। तो एक काम करो, अगर ये एंगल थीटा है तो उस केस में ये एंगल भी कितना है, थीटा है, और अगर ये एंगल थीटा है बाइसिमेट्री तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है, ये ऑल्टरनेट से थीटा या कॉरस्पॉन्डिंग से थीटा। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक थीटा के साथ कंपोनेंट जिसकी वैल्यू क्या होगी, एफ कॉस थीटा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसकी वैल्यू क्या होगी, एफ साइन थीटा। सिमिलरली इस एफ के भी दो कंपोनेंट होंगे, थीटा के साथ का कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, एफ साइन थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब मुझे सिर्फ एक चीज बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स क्या होगी, इन दोनों को क्या कर दें, ऐड, ऐड करेंगे नेट फोर्स आएगी, वाई एक्सिस में नेट फोर्स क्या होगी, अब वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर टू बी सी ये वेक्टर इसे क्या कर गया, कैंसल, तो नेट फोर्स वाई एक्सिस में क्या आएगी, जीरो। तो आंसर क्या आएगा, जीरो, हालांकि नेट फोर्स जीरो नहीं है, वाई एक्सिस की फोर्स जीरो है। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक? अगर एक्स एक्सिस तो फिर 2f cos थीटा आंसर है, वाई एक्सिस में जीरो है और एक्स एक्सिस में 2f cos थीटा है, नेट फोर्स में भी 2f cos थीटा है। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, ये स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलेगी आपको, ये स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम बहुत आती है। आप ये ना सोचिए कंपटीशन कंपटीशन, आप एनसीईआरटी किताब खोल लो, स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम तो उसके अंदर भी बहुत मिलेगी आपको। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिसमें स्ट्रिंग्स के साथ कोई मास लगा होगा, उस पे चार्ज लगा होगा। देखो क्वेश्चन समझते हैं, सबसे पहली चीज, अगर आपको प्लस वन याद हो, फोर्स याद हो, तो उसके अंदर हम क्या करते थे, उसमें हम ये करते थे कि जैसे सपोज करो आपके पास, ठीक, लेट अस सपोज आपके पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, ठीक, जैसे ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और मान लो ये स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से, जैसे ये वॉल है, मान लो ये दीवार है, ठीक है,
तो ये वॉल है और एक स्ट्रिंग है, और सच दैट मैंने इसे, ये मास एम है तो इसका वेट क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मैंने इसे पकड़ा हुआ है इस तरीके से बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, क्वेश्चन में गिवन है, पकड़ा हुआ है और ये इक्विलिब्रियम में है। अब जब ये इक्विलिब्रियम में है मेकिंग एन एंगल ऑफ क्या थीटा विद वर्टिकल, तो हम क्वेश्चन में ऐसे करते थे कि इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करते थे किसके, टेंशन के। हम ये मानते थे कि ये इस स्ट्रिंग में क्या है टेंशन, टेंशन किस में होती है, पेयर्स में होती है ऐसे, तो थीटा इसमें टी टेंशन है, तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी क्या हो जाएगा थीटा। ये भी क्लियर है यहाँ तक? तो इस टेंशन के दो कॉम्पोनेंट्स लिया करते थे टी कॉस थीटा और एक लिया करते थे टी साइन थीटा, और ये मास अगर इक्विलिब्रियम में है तो टी कॉस थीटा किसको इक्वेट किया करते थे एम जी, और टी साइन थीटा किसको इक्वेट करता था टेन को, यानी कि हॉरिजॉन्टल की फोर्सेस को भी नेट फोर्स जीरो, वर्टिकल में भी नेट फोर्स जीरो। तो वो करने के लिए ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये सेम रूल चार्जेस के अंदर भी लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है ये देखो, क्वेश्चन है क्यू एंड क्यू दो चार्जेस हैं, क्यू एंड क्यू दो चार्जेस हैं, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड्स हैं, दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस इस इन दो थ्रेड्स के नीचे लटके हुए हैं, लटका हुआ है, सिमिलर चार्ज है, तो ऑब्वियसली यहां टिकेगा तो है नहीं, इकट्ठे रहेंगे नहीं, तो क्यू एंड क्यू एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल, तो ये रिपेल करता है और इस सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एंगल क्या बनता है यहां पर वर्टिकल के साथ 60, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आता है, रेस्ट पे आ जाता है, गिवन है सिस्टम रेस्ट पे, ऐसे कितने एंगल पे रेस्ट पे आ गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60, ठीक हो गया, तो 60 पे रेस्ट पे आ गया। तो लेंथ आपको स्ट्रिंग की 1 मीटर गिवन है, और आपको क्या निकालना है टेंशन इन दिस थ्रेड निकालना है, क्या होगी, तो इसमें टेंशन निकालनी है थ्रेड में क्या होगी। अब सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम के अंदर नेट फोर्स क्या होती है किसी भी पार्टिकल पे जीरो, नेट फोर्स के लिए क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी इसके ऊपर फोर्स, तो कौन कौन सी फोर्सेज है पहले ये डिसाइड कर लो, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन सी फोर्सेज है तो आप चेक करें इसमें, पहली चीज टोटल एंगल कितना था 60, आधा था कितना हो गया 30, तो अगर ये 30 तो ये भी कितना 30, स्ट्रिंग में क्या आ जाएगी टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग क्या हो जाएगी टाइट, तो स्ट्रिंग में आ गई टेंशन, टेंशन के दो कॉम्पोनेंट्स 30 30, तो टी के पहला कॉम्पोनेंट क्या होगा टी कॉस 60, एक क्या होगा टी साइन सॉरी 30, टी कॉस 30 टी साइन 30, क्लियर है यहां तक? वेट कितने एम जी, और इस क्यू चार्ज ने इस क्यू चार्ज को क्या किया रिपेल, तो किससे रिपेल किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो ये वो फोर्स है रिपल्शन की। अब ये क्योंकि पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, इनमें डिस्टेंस क्या है वो लेना पड़ेगा, वो कैसे आएगा आपको, तो ये 1 मीटर गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है, एक काम करो ये राइट एंगल ट्राइंगल लो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ 30 क्या होगा एक्स डिवाइडेड बाय 1, साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 1, तो एक्स क्या आएगा साइन ऑफ 30, अगर ये एक्स है तो ये भी कितना है एक्स, तो दो चार्जेस में टोटल डिस्टेंस कितना है आर, आर क्या होगा 2x, तो आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो आर की वैल्यू यहां पर क्या होगी 2 इंटू साइन ऑफ 30, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो 2 इंटू साइन ऑफ 30 आपके पास क्या आएगी फोर्स आएगी, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब इस केस में, अब इस केस में क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में गिवन है, दोनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, तो कोई भी एक पार्टिकल लो टी कॉस 30 किसके इक्वल है एम जी पहली इक्वेशन, एंड टी साइन 30 किसके इक्वल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q बाय r का स्क्वायर, और r हम निकाल चुके हैं इसमें 2 इंटू साइन ऑफ 30, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर आप ये इक्वेशन लिखें, इन्हें डिवाइड कर लें, या जो भी निकालना है इसमें डिवाइड कर लें, डिवाइड नहीं करना तो इसमें इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, और t की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो कैसे करेंगे आप खुद देखना एक बार, इक्वेशन बनानी आ रही है सबको कैसे इक्वेशन बनी। तो स्ट्रिंग की जब भी प्रॉब्लम आएगी पेपर में तो टेंशन लेनी है और टेंशन के दो कॉम्पोनेंट्स लेने हैं, क्लियर है यहां तक? पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें?
ऑनलाइन बात क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, कितने लोगों को इसमें डाउट है? क्वेश्चन आते हैं ऐसे, मैं बता रहा हूं आपको। तो इस क्वेश्चन में इक्वल चार्जेस कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू ए लेंथ है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज भी, तो इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। तो क्या रूल है इसमें? रूल ये है कि इस ये जो कैपिटल क्यू है, इस कैपिटल क्यू को क्या करेगा? रिपेल। ये कैपिटल क्यू को क्या करेगा? रिपेल। ये कैपिटल क्यू भी इस कैपिटल क्यू को क्या करेगा? रिपेल। तो जब इसकी बारी आएगी तो फोर्स क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q बाय A स्क्वायर। जब इसकी और इसकी बात होगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q बाय A स्क्वायर। लेकिन जब इसकी बात होगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q बाय √2A का स्क्वायर, क्योंकि डायगनल की लेंथ √2A होती है। ठीक है यहाँ तक? तो डायगनल की जो लेंथ है वो √2A है। क्लियर है? तो तीन फोर्सेस आ गई। नेट फोर्स क्या होगी? ये दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट इस तरफ ही जाएगा। तो वो जो रिजल्टेंट आएगा वो F3 की डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या होगी? जो भी रिजल्टेंट है प्लस F3। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है। तो ये मैंने ड्रॉ किया, रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आएगा, जो F3 के साथ जाएगा। तो नेट फोर्स क्या होगी? F3 प्लस अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। आपको F1 पता है, F2 पता है और F3 पता है, वैल्यू सारी पुट करके आपके पास आंसर आएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? कैलकुलेशन तो अपने अपने कैलकुलेशन तो क्या ही करूँगा, आपकी हेल्प मैंने खुद सॉल्व किया, मैं आपको क्या करूँगा, मैं खुद ही आपके सामने एक एक स्टेप करके आया हूँ। बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई शॉर्टकट नहीं कैलकुलेशन का। कहीं सोचोगे सर बताएंगे ऐसे 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 करके हो गया, फिजिक्स हो गई, तो कुछ नहीं होता। जो जो आप करते हो वही मैं करता हूँ, आपके सामने स्टेप्स है। उल्टा आप तो फिर दो स्टेप कम करते हो, मैं तो दो स्टेप ज़्यादा ही करता हूँ कि मेरे से गलती ना हो जाए। आप तो फिर भी चलो दो तो उड़ा देते हो, दो फटाफट फटाफट हो गया हो गया, मैं नहीं कर सकता यहाँ पे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक एक स्टेप करके मज़ा भी आता है, गलती होने का चांस भी कम रहता है। ये क्वेश्चन देखा आपने, सेवन्थ कितने लोगों का आ गया? नहीं हुआ कितनों का? नहीं आया? नहीं आया। देखो इस क्वेश्चन में आपको ना चार चार्जेस गिवन है, फोर चार्जेस गिवन है, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू और स्मॉल क्यू सेंटर पे है। एंड वो क्या कह रहा है? इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट। तो आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से ये गिवन है, देखो आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है, ये देखो ठीक, सच दैट ये कितना चार्ज है? माइनस, छोटा क्यू बड़ा क्यू, बड़ा क्यू, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, और ये कितने हैं? स्मॉल क्यू।
तो क्वेश्चन ये है कि ये अरेंजमेंट गिवन है और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब सिस्टम कई बार तो गिवन होता है ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ये चार्ज इक्विलिब्रियम बोले सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यानी कि कोई मर्जी चार्ज ले लो सब इक्विलिब्रियम में है, कोई मर्जी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये कुछ भी ले, एक ले लो। तो एक काम करते हैं, अगर ये साइड ए है तो मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या आएगी इसके ऊपर, जीरो। तो वो माइनस क्यू, इस माइनस क्यू को अपने से दूर क्या करेगी, रिपेल। क्या ये स्टेप क्लियर है? और कितनी फोर्स से करेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड ओनली प्लीज, क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? मान लो इस फोर्स का नाम है F1, ठीक है। उसी तरीके से ये माइनस क्यू भी इस माइनस क्यू को क्या करेगा, ऊपर की तरफ रिपेल। मान लो ये फोर्स है F2, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, राइट। और ये माइनस क्यू इस माइनस क्यू को, देखो कोई कहेगा ये माइनस क्यू इसे अट्रैक्ट कर, इस पे पूछ कौन रहा है, मैं तो इक्विलिब्रियम किसका बना रहा हूं, उसका। तो सारे वेक्टर किस पे, उस पे। तो अब ये दो चार्जेस भी से रिपेल अट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस क्यू इस माइनस क्यू को क्या करेगा, रिपेल। F3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय √2a का होल स्क्वायर। और लास्ट ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट। F4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a बाय √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि डायगनल क्या है, a बाय √2, जो हाफ डायगनल होता है वो a बाय √2 होता है, फुल डायगनल √2a होता है। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? कुल मिला के कितनी फोर्सेस हैं, चार, तीन तो ये रही, चौथी ये रही, नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो एक काम करते हैं, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, कौन कौन, F1 एंड F2। तो F1 F2 का रिजल्टेंट कहां पर आएगा, इस तरफ आएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और F3 भी एग्जैक्टली इसी तरफ है। तो नेट रिजल्टेंट F1 F2 का इस तरफ, F3 भी इस तरफ, और एक फोर्स इनके ऑपोजिट है और वो क्या है, F4। तो ना F4 इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है, F3 भी इधर है। और अगर आप चाहते हो कि नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो, तो F4 मस्ट बी इक्वल टू F3, F3 प्लस अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इन्हें इक्वेट करेंगे, F1 F2 F3 F4 की वैल्यूज को पुट करेंगे, फिर अपना मैथ लगाएंगे और फिर आंसर निकाल लेंगे। पर मेथड समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने किया भी हुआ है वैसे, अगर आपने यहां से नहीं देखना तो यहां से देख सकते हो, ये लो, ये रहा, ये रहा। तो मैंने F3 लिया, F1 F2 लिया, इसने F" लिया, कोई फर्क नहीं है। तो सारी वैल्यूज को यहां पर पुट किया गया, जैसे ये F' है, ये F है, ये F है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ F² प्लस F² जो F' के साथ है, और किसको इक्वेट करेगा, F"। सारी वैल्यूज को मैंने खुद पुट किया है, मैंने खुद सॉल्व किया और मेरा तो आंसर आ गया। आई होप आप लोगों का भी आ जाएगा आंसर, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, उसका तो क्या ही कर सकते हैं। मेथड क्लियर है, मेथड वाइज कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, ठीक, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ओके, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हर बुक में आपको मिल ही जाएगा, बिलून वाला क्वेश्चन मिल ही जाता है, ऐसे ना कुछ स्टैंडर्ड से प्रॉब्लम्स हैं, आए ना आए मुझे पता नहीं, हर किताब में जरूर प्रिंटेड होती हैं। करवा दो तो बच्चा कहता है यार क्या यार कैसा क्वेश्चन है, ना करवाओ तो वो डाउट की फॉर्म में आ जाता है, सर ये क्वेश्चन था, कर लो क्या फर्क है यार, बुक तो सारी कवर करनी है, वो आए ना आए क्या फर्क है, ये भी कर लेते हैं। हीलियम बैलून के क्वेश्चन ना प्लस वन के अंदर भी कभी कभी आ जाते हैं, हीलियम बैलून, हीलियम की क्या हल्की गैस है, मार्केट में जाओ हीलियम बैलून का गुब्बारा लो, उड़ता जाता है, कैसे उड़ता है भाई, अप थ्रस्ट से। एक्चुअल में क्या होता है, बिल्कुल वही प्रिंसिपल है जो बॉल का प्रिंसिपल है, एक प्लास्टिक की बॉल को किसी भी स्विमिंग पूल के नीचे ले जाओ, उसको छोड़ दो ऊपर ही जाती जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि पानी क्या लगाएगा उसके ऊपर, अप थ्रस्ट, वेट कम है अप थ्रस्ट ज्यादा है, वो ऊपर उड़ती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी। हीलियम बैलून का भी सेम प्रिंसिपल है, हल्की गैस है, एयर ज्यादा डेंस है, तो क्या लगाएगी, एयर अप थ्रस्ट,
तो अप थ्रस्ट ज्यादा हो जाएगा, वेट उसका कम होगा, तो गुब्बारा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यही प्रिंसिपल है। तो हीलियम गैस यहाँ पर आ जाएगी, बैलून ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें गिवन नहीं होता कि अप थ्रस्ट लो। लोग पूछते हैं कि एयर का अप थ्रस्ट, पानी का तो सुना था, एयर का कहाँ से आ गया? हीलियम बैलून के क्वेश्चन में अप थ्रस्ट ही बैलून को ऊपर लेके जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो पॉइंट क्लियर है? तो ये बैलून ऊपर जा रहा था, आगे देखो। अब इसमें एक मास को नीचे बांध दिया, बैलून के नीचे मास बांध दिया, और ये अभी फ्लोट कर रहा है, ना तो नीचे गिर रहा है ना ऊपर उड़ रहा है। तो यानी कि पूरा सिस्टम किसमें है? इन इक्विलिब्रियम में। आपने एक चीज नोट की, पूरा चैप्टर ही किसके ऊपर है? इक्विलिब्रियम। वो हर तीसरा तीसरा क्या, सारे क्वेश्चन में चार्ज को मूव तो होने देता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रो स्टैटिक है। मूव एक में किया था SHM, और उसी में देखो क्या खतरनाक सी क्वेश्चन बननी स्टार्ट हो गई थी। शुक्र है मूव नहीं कर रहा अभी, अभी ठीक चल रहा है, रेस्ट भी पड़े हैं, इक्विलिब्रियम्स हैं। तो मूव करने में ज्यादा प्रॉब्लम है, मूव करने में काइनेमेटिक्स भी आएगा, मोशन भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा। और मूव कब करेगा? मूव करेगा मैग्नेटिक इफेक्ट में, उसमें मूव ही करता रहता है, उसमें स्टैटिक ही नहीं होता। पर वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कहने का मतलब कि हर क्वेश्चन का एंड इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम में ये मुझे समझ में आ गया इतने क्वेश्चन करने के बाद कि पता नहीं क्या डायग्राम डुग्राम बनाएंगे, फोर्स फोर्स बनाएंगे, और फिर ऊपर की फोर्स, नीचे की फोर्स, लेफ्ट की फोर्स, राइट की फोर्स, आंसर आ जाएगा। अब मेन प्रॉब्लम क्या है? फोर्स ड्रॉ करना। यदि फोर्सेस का डायग्राम सही बन गया तो उसका आंसर भी आ जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है हम प्लस टू नहीं कर रहे, हम एक फोर्स का चैप्टर कर रहे हैं, एक वेक्टर का कर रहे हैं, और एक इक्विलिब्रियम कर रहे हैं बस। कूलम लॉ क्या है? कूलम लॉ तो बेचारा अभी शुरू ही हुआ था फर्स्ट लेक्चर में, बस ये कूलम लॉ है, उसके बाद तो कूलम लॉ यूज ही नहीं हुआ। कूलम लॉ तो बस ऐसे ही चल रहा है, ये तो फोर्स की प्रैक्टिस ज्यादा हो रही है, ऐसे ही हो रहा है ना? मेरे को ऐसा लगता है ऐसे ही हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब चैप्टर करेंगे, फ्लक्स करेंगे, फिर ये सारा चेंज हो जाएगा, और फिर प्योर प्लस टू के ऊपर काम चलेगा। उसमें इतना मुश्किल नहीं है, वो इंटरेस्टिंग, उसकी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, इसकी कैलकुलेशन वेक्टर वाइज ज्यादा है, उनकी ज्यादा नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट बड़ा है और कैलकुलेशन छोटी है। देखो इसमें दो बैलून्स हैं, मास है, इक्विलिब्रियम है, और फोर्सेस क्या क्या इसमें एक्ट करेंगी। पहली फोर्स जो इसमें एक्ट करेगी वो क्या है? अप थ्रस्ट। दोनों बैलून्स पे क्या काम करेगा? अप थ्रस्ट। स्ट्रिंग, जहां धागा स्ट्रिंग आएगी टेढ़ी, वो भी टेढ़ी ऐसी, उसमें क्या आ जाएगी? टेंशन, TNT। तो टेंशन अभी हमने पिछले क्वेश्चन किए भी, स्ट्रिंग दीवार से टांग दी, स्ट्रिंग टेढ़ी हो गई, जब टेढ़ी होती है टाइट हो जाएगी तो इसमें क्या आएगी? वैसे भी मास लगा हुआ टाइट तो होगी होगी, तो क्या आ जाएगी इसमें? टेंशन, TNT, TNT। ये भी क्लियर है? इसका जो है इस ये चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, तो क्यू चार्ज इस क्यू को क्या करेगा? रिपेल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। और ये क्यू चार्ज इस क्यू को क्या करेगा? रिपेल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो Fe क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। यू यू क्लियर है, टी टी क्लियर है, और एम जी क्लियर है। फोर्सेस क्लियर है यहां तक? ठीक। अब लगानी कैसी है इसको देख लेते हैं। लगाने के लिए ये टेंशन है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में यू और ये टी, ये टी तो यहां कर रही है ना, तो ये टी इस पे कौन कौन सी फोर्सेस ऐड कर रही है? इस पे एक फोर्स ऐड कर रही है यू, यू एक क्या कर रही है? टी एक क्या कर रहा है? Fe। ये तीन फोर्सेस हैं। तो इस टी के कंपोनेंट ड्रॉ कर लो, ये थीट है तो ये भी थीट है, ऑल्टरनेट एंगल से। टी का पहला कंपोनेंट क्या होगा? टी कॉस थीटा, और ये क्या होगा? टी साइन थीटा। और अगर ये इक्विलिब्रियम है तो फोर्स Fe इज इक्वल टू टी साइन थीटा एंड यू इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर ये बैलून इक्विलिब्रियम में है तो इसकी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स। आएगा आएगा, जब आप ये लगाएंगे, अगला अगली लाइन तो सुनो, आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक, मतलब ये मैं गलत नहीं, लेकिन ये नहीं कि गलत बोल रहा हूं, ये तो लगेंगे इक्वेशंस, पर फिर भी आंसर नहीं आएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ऐसा है, वो वेट के साथ आंसर दे रहा है, और मैंने इसमें अभी तक वेट को कंसिडर किया नहीं है। अब मैं एक और इक्वेशन बनाऊंगा जिसमें वेट आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो करें स्टार्ट। तो इसके अंदर देखो
हाँ, तो एक इक्वेशन मैंने क्या बताई, मैंने आपको एक इक्वेशन बनाई एफ ई, एफ ई टी साइन थीटा यू टी कॉस थीटा। अब एक और इक्वेशन बनाते हैं, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अब ध्यान से ये इंपॉर्टेंट है। आपने एक बैलून का फ्री बॉडी डायग्राम तो यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक कंप्लीट डायग्राम के अंदर देखें, कंप्लीट डायग्राम को देखें, तो आप इसको 2 मिनट भूल जाओ, कुछ नहीं है ये। इस पे मेजरली तीन फोर्सेस, चार फोर्सेस ऐड करती हैं रादर। पहली यू अब थ्रस्ट ऐड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐड कर रही है, टेंशन ऐड कर रही हैं, और वेट एम जी ऐड कर रहा है। अगर कॉम्पोनेंट्स को 2 मिनट छोड़ दें तो मेजरली इसमें कौन कौन सी फोर्सेस ऐड कर रही हैं, यू टी एम जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पूरा सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में, दोनों बैलून एंड मास सब इक्विलिब्रियम में, रेस्ट पे हैं। तो अगर रेस्ट पे है तो टोटल अपवर्ड फोर्स बोलो पूरे सिस्टम की कितनी है, यू प्लस यू टू यू। टोटल फोर्स अपवर्ड बोलो टू यू, टोटल डाउनवर्ड फोर्स बोलो कितनी, एम जी, और कुछ भी नहीं। आप कहोगे टी कॉस थीटा, भाई टी कॉस थीटा कैसे, इसके कंपोनेंट ड्रॉ ही नहीं किए, इसमें एक का कंपोनेंट है, अगर इसका भी ड्रॉ करोगे तो टी कॉस थीटा आपस में कैंसिल। तो टी एंड टी तो वैसे ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, जब एज अ होल काम करेंगी तो टी एंड टी आपस में क्या कर जाएंगी, कैंसिल। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितनी है, टू यू। टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, सिर्फ एम जी। राइट की टोटल फोर्स कितनी है, एफ ई। लेफ्ट की टोटल फोर्स कितनी है, एफ ई। तो इक्विलिब्रियम में तो पहले बना हुआ एक्स एक्सिस में ही है, तो ऊपर की फोर्स कितनी है, टू यू, नीचे की फोर्स कितनी है, एम जी। तो एक और इक्वेशन तैयार हो गई। तो आप कहते हैं वेट कहां से लाओगे, ये जो पिछली इक्वेशन थी जिसमें यू को इसके इक्वल किया था, उसमें यू रिप्लेस होगा किसके साथ, एम जी बाय टू के साथ। अब आंसर आपका एम जी की फॉर्म में आएगा, ये देखो यही किया हुआ इसमें एग्जैक्टली। एक इक्वेशन कंप्लीटली हुई है इसमें, टू यू इक्वल टू एम जी, एक इक्वेशन तो पूरी कंप्लीट। तो एक इक्वेशन ये रही, एक फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन ली हुई है, मैं डायग्राम साथ साथ दिखा दूं उनसे कंफ्यूजन हो। ओके, ये देखो इसमें देखो, तो अगर मैं डायग्राम के साथ काम करूं तो टू यू इज इक्वल टू एम जी फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी यू इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, यू इज इक्वल टू टी कॉस थीटा दूसरी इक्वेशन। तो इस यू को पुट कर दो यहां पर ऊपर टी कॉस थीटा, तो क्या बनेगा, टू इंटू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये लो एक और इक्वेशन, फ्री बॉडी डायग्राम से एफ ई किसके इक्वल है, टी साइन थीटा, तो एफ ई इज इक्वल टू टी साइन थीटा। और एफ ई इज इक्वल टू टी साइन थीटा में ये नेक्स्ट इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो दिस इक्वेशन बाय दिस, तो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये मैंने यहां पर इसे डिवाइड कर लिया है, देखो ये रखा मैंने डिवाइड कर लिया, मैंने एक गलती की इसमें ना, टू रह गया मुझसे कहीं, मेरी कैलकुलेशन गलत है इसमें, जब मैं डिवाइड कर रहा था ना इक्वेशन में थ्री एंड फोर, इसमें टू आ रहा है, इसमें टू नहीं आ रहा ना, इसमें देखो, तो दिस बाय दिस करेंगे तो टू भी चलेगा, मैं यहाँ पर टू मिस कर गया, तो यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पर कहीं पर टू आएगा यहाँ पर, राइट। तो आपके आंसर में भी टू आएगा, तो ऑप्शन में टू की फॉर्म में आंसर गिवन होगा, मेरा टू की फॉर्म में नहीं आ रहा, मैं टू को मिस कर गया, पर आपको समझ में आ गया यहाँ तक। डिवाइड किया, टेन थीटा आ गया, टेन थीटा को के लिख, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन को के लिख सकते हैं, तो के लिखेंगे तो टेन थीटा आएगा, क्यू एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्यू निकालना है, तो क्यू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। आपके ऑप्शन में टू भी आ रहा होगा, क्योंकि मैंने टू मिस किया, तो यहाँ पे टू की फॉर्म में आंसर आया। आपको इक्वेशंस क्लियर हैं, कैसी इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन बनाई, टी कॉस थीटा टी एंड टी इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर में है, जब कंप्लीट डायग्राम लिया जा रहा है तो टी एंड टी कैंसिल कर जाएंगे, कंप्लीट डायग्राम में पूरे में टी एंड टी कैंसिल पेयर में, फ्री बॉडी डायग्राम में कैंसिल नहीं करेगी, जब होल डायग्राम होगा तो टी एंड टी इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर में कैंसिल करेंगे, इसलिए। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये हर बुक में गिवन ही होता है क्वेश्चन, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर।
इन्हें साइमल्टेनियस सॉल्व करके देख लो ना, बोलो। आ गया बिना थर्स के, मुझे पता नहीं आपका कैसा आया, पर गुब्बारा उड़ेगा कैसे, इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स में, डाउनवर्ड फोर्स तो पता है, अपवर्ड क्या है पता ही नहीं, तो ऐसे ही लग गया होगा कुछ चांस। ठीक है बोलो। हमें कैसे पता, तीन बार कर लो इस क्वेश्चन घर जाके, तीन बार, चौथी बार लोगों को पता होगा, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस है, देखो जिसने प्रैक्टिस कर रखी है ना उसको पता लग, आप बुक्स जब सॉल्व करते हो ना आपको अपने आप पता लग जाता है फिजिक्स में, ऐसा ऐसा नहीं, देखो फिजिक्स में तो प्रॉब्लम ही बहुत है, हर तीसरा क्वेश्चन तो नया क्वेश्चन है, आप अगर ये क्वेश्चन पूछोगे तो हर क्वेश्चन कैसे ही, तो अगला क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो प्रैक्टिस है। आज आपको पता लग गया ना कि जब दो ही क्वेश्चन बनती हैं, एक कॉस में एक टैन में, या कॉस में साइन में, टी टी तुमको डिवाइड कर लो, फोर्स के चैप्टर में ऐसे प्लस में बहुत करते थे, स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम्स, टी कॉस थीटा एम जी टी साइन थीटा, डिवाइड कर लो, टी टी कैंसिल, मत करो डिवाइड, जैसे मर्जी कर लो, मैथ्स आपका है, जैसे मर्जी कर लो, सबसे आसान डिवाइड करना ही होता है, टेंशन कट जाती है उसमें, इसलिए ये आसान क्वेश्चन है। कितने लोगों को इसका आंसर मिल गया, कितनों को डाउट है, देखो उसको मैथमेटिकली एक बार करना चाहिए, मुझे पता नहीं आपने इसको कैसे किया, एक बार डिस्कस करते हैं इसे। देखो जरा ध्यान आगे, देखो इस क्वेश्चन में आपको ना दो स्ट्रिंग्स गिवन है, दो स्ट्रिंग के साथ दो मासेस गिवन है, इनके ऊपर चार्ज गिवन है, ये स्ट्रिंग्स ऐसी सीधी थी पर क्योंकि इनके पास चार्ज था, रिपल्शन हुई, टेढ़ी हो गई, ऑब्वियसली रिपल्शन हुई तो टेढ़ी हो गई, और टेढ़ी होके किस में आ गई, इन इक्विलिब्रियम, उन्होंने कौन सा यार क्वेश्चन देना है कि उड़ती जा रही है, इक्विलिब्रियम टिक गई यहां पर, कितने एंगल पर, थीटा वन थीटा टू, क्लियर है। अब क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि यहां पर रुक गई, इनका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो सेम है, एक ने एंगल थीटा वन बनाया, एक ने थीटा टू बनाया, एक ही लेंथ एल वन है, एक ही एल टू है, मास एम वन एम टू, चार्ज क्यू वन क्यू टू, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि इनके बीच में ये एंगल्स बराबर हो, थीटा वन थीटा टू बराबर हो, तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से सही मैच करेगा, कि चार्ज भी इन दोनों के इक्वल हो, चार्ज इन दोनों के इक्वल हो तो एंगल बराबर आएगा, या फिर मास बराबर हो तो एंगल बराबर आएगा, लेंथ बराबर हो तो एंगल आएगा, या रेशियो बराबर हो तो एंगल आएगा, ये आपको बताना है। मेरे को कंफ्यूजन इसमें हो रही थी कि चार्ज बराबर कर दूं ताकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, पर चार्ज बराबर करके होगा क्या, Q1 ने Q2 को F फोर्स लगाई तो Q2 ने Q1 के ऊपर F फोर्स लगाई, F की वैल्यू विल रिमेन सेम, तुम अनइक्वल लोगे तो भी फोर्स सेम है, चार्ज इक्वल करके भी क्या करूंगा, लेंथ ऊपर नीचे कर दूं, एक छोटा कर दूं बड़ा कर दूं, नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मुझे एक बात सिखाई गई कि अभी स्ट्रिंग की जब भी प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रिंग टेढ़ी होगी ना, तो उसमें टेंशन ड्रॉ कर लेना, एंगल ले लेना, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यही किया, तो मैंने इसमें एक मैंने इसमें क्या किया, इसको थोड़ा सा अगर इस तरीके से बड़ा करें तो टेंशन ड्रॉ की, एज यूजुअल स्ट्रिंग में टेंशन टी है, अगर ये थीटा माने तो ये भी थीटा माने, टेंशन का पहला कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा माने, ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा वन है, ये स्टेप क्लियर है। फिर मुझे ये पता है ये वाला चार्ज इसे क्या करेगा, रिपेल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और रेस्ट पे तो आ ही जाना है इसने, तो रेस्ट पे आने का मतलब टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम वन जी, और टी साइन थीटा किसे बैलेंस करेगा, एफ ए।
तो याद हो गया होगा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, बात खत्म, ठीक हो गया आंसर। तो मैंने भी एग्जैक्टली यही किया, ये लो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी। तो ये स्टेप क्लियर है इक्वेशन नंबर वन एंड टू, राइट। अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर टू एंड वन को, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ये एक स्टेप क्लियर है। रादर मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए एम वन, क्योंकि ये पार्टिकल नंबर एम वन की बात हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? ये इक्वेशन आ गई। अगर मैं यही इक्वेशन सेकेंड पार्टिकल के लिए भी बनाऊं, तो इक्वेशन क्या बनेगी? टेन ऑफ थीटा टू इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम ही रहेगी, डिवाइडेड बाई एम टू जी। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं चाहता हूं कि थीटा वन थीटा टू के इक्वल हो जाए, ये तो पहली बराबर है, जी पहली बराबर है, तो फिर किसको बराबर होना पड़ेगा? एम वन इज इक्वल टू एम टू, कोई डाउट इसमें? तो एम वन एम टू के इक्वल होगा, तो अपने आप एंगल भी क्या हो जाएंगे इक्वल, तो आंसर क्या मार्क करेंगे? एम वन इज इक्वल टू एम टू। बोलो क्यों नहीं किया चार्ज वाला? चार्ज करके क्या करना है? एफ सी तो बराबर रहेगा दोनों में, चार्ज का मैग्नीट्यूड पहले ही चेंज है, क्यू वन क्यू टू। ये देखो कैसे चेंज होएगी फोर्स, इस क्यू टू ने इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाई एफ सी, तो इसने भी इसके ऊपर लगाई एफ सी, एफ सी एफ सी इक्वल एंड ऑपोजिट, एफ वन एफ टू थोड़ा लगेगी, एफ सी लगेगी, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर लेंथ। वैसे मेरे को कभी कभी लगता है लेंथ होना चाहिए, पता लगे एक तो 10 मीटर ले ली, एक 2 मीटर ले ली, तो वे बराबर कैसे होंगे? मेरे को ऐसा पर उसने क्योंकि कहा कि उनका हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, तो लेंथ में यानी कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन ली नहीं उसने, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही लाइन में है, एफ सी की वैल्यू एक लाइन में, इसलिए छोड़ दिया। वैसे अगर बहुत अनइक्वल होंगे तो बात बनेगी नहीं। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है कैसे मार्क करना है इसमें? यस सर। ठीक, यस बोलो। वो तो सेक्टर सर्कल में करते हैं, सर्कल थोड़ा बना है इसमें, ये तो स्ट्रिंग स्ट्रेट है। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 11th, कितने लोगों को इसमें डाउट है? ये भी आपको हर किताब में मिलने ही वाला है, वैसे डाउट है। देखो इस क्वेश्चन को कितने लोगों से हो गया, ये हो भी गया, अच्छा ठीक है। देखो सारा पॉइंट चार्जेस पे चल रहा है। वैसे आपको एक चीज बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे मैंने ज्यादा टाइम लगाया है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छोटा चैप्टर है, और अभी तो प्लस टू अभी चलनी है, अभी शुरू होनी है। उसका रीजन बता देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जितना टाइम लगाया जाएगा, आपका जो बी चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है बिल्कुल सेम है, सेम क्या कॉपी पेस्ट है, सेम इतना सेम है, तो बिल्कुल सेम टू सेम का मतलब 2-4% ही चेंज है, तो बी चैप्टर ऑटोमेटिकली तैयार हो गया आपका। तो जो एक्सरसाइज जो एफर्ट यहाँ लग रहा है, उतना ही कम एफर्ट बी चैप्टर में लगेगा, तो इसलिए हम ए पे लगा रहे हैं। हमें जल्दी भी क्या है अभी, तो ए पे लगाएंगे, बी अपने आप तैयार हो जाएगा, बी की प्रैक्टिस करेंगे, फिर सी करेंगे। ए बी सी और डी ये चार चैप्टर हैं, बस ये चार पांच चैप्टर जो इनिशियल है ना, ये अगर आपने ठीक तरह कर लिए, फिर आपका प्लस टू कोई बीट नहीं कर पाएगा, फिर एकदम सही चलेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसके ओपनिंग प्लस टू की बहुत, ये प्लस वन की तरह नहीं है। कैलकुलस कम आया कोई बात नहीं, वेक्टर कम आया चलो कोई बात नहीं, प्रोजेक्टिल आया तो भी कोई कम बात, कोई बात, 4 महीने की फिजिक्स नहीं आई तो भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वॉल्यूम टू काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लस वन का। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम टू एज कम्पेयर टू वॉल्यूम वन काफ़ी आसान है, काफ़ी ईजी है, बहुत स्मूथ है, केमिस्ट्री बेस्ड है, एटम न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी, उसमें एफर्ट कम है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी केमिस्ट्री आती होगी, उस टाइम केमिस्ट्री के टीचर भी आपको प्रिपेयर कर देंगे, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये इलेक्ट्रोस्टैट तो बहुत मेन है, इसको बहुत अच्छे से करना है सबने, ठीक प्रैक्टिस करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी कोई ये ना सोचें कि प्लस टू नहीं आ रही आपको, आप ये ना सोचें आपको प्लस टू नहीं आती। अगर आपसे इन प्रॉब्लम्स के अंदर दिक्कत है, तो आपको प्लस वन के अंदर ही दिक्कत हो सकती है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि प्लस टू तो चल भी नहीं रही ना, वेक्टर तो चल रहा है। अब जैसे एक प्लस वन के अंदर कॉन्सेप्ट यूज होता है, मैं पहले बता दूं, फिर प्रॉब्लम तो 2 मिनट की है। प्लस वन में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर मान लो कोई भी बॉडी है और वो सर्कल है,
या एक प्लेन सरफेस है। अगर एक बॉडी यहां पर पड़ी हुई है तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। अगर कोई बॉडी यहां पे पड़ी हुई है इस सर्कल के अंदर, तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर सरफेस। अगर कोई बॉडी यहां पे पड़ी हुई है तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर कोई बॉडी यहां पे पड़ी हुई है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहां पे पड़ी हुई है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आपको मालूम है सर्कल के अंदर जहां मर्जी बॉडी पड़ी हो या स्फेयर के अंदर, तो वो पास कहां से करेगा नॉर्मल रिएक्शन? हमेशा उसके सेंटर से। तो ऑप्टिक्स में भी करते हैं वो स्फेरिकल मिरर्स, तो नॉर्मल कहां से पास करता है? सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ऐसा तो ये रूल है इसका, ठीक है। तो बस इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि दो चार्जेस हैं, ये दो बॉल्स हैं। दो बॉल्स इनिशियली इकट्ठी पड़ी थी स्फेरिकल ग्लास के अंदर, इकट्ठी पड़ी थी। क्यू एंड क्यू चार्ज है। अब क्यू एंड क्यू चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। बॉल कहां जाएगी? दूर, रुक जाएगी। किसमें आ गई? इन इक्विलिब्रियम। तो फिर इक्विलिब्रियम तो चार्ज निकालो क्या होगा? क्वेश्चन तो फिर वही आ गया। इक्विलिब्रियम में लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स, ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करनी है? फोर्स। तो फोर्स ड्रॉ कर लें। पहली फोर्स इसके अंदर, ये अगर क्यू चार्ज है, ये अगर क्यू चार्ज है, तो क्यू क्यू को क्या करेगा? अपने से दूर रिपेल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी से क्या करेगा? रिपेल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास करेगा? इस स्फीयर के सेंटर से। रेडियस इसमें आर लेने को कहा गया है इसमें, तो नॉर्मल रिएक्शन आर या जो भी एन है इसमें। अगर ये आर है, ये आर है, और क्वेश्चन में गिवन है दो बॉल्स के बीच में डिस्टेंस भी आर है, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब एंगल इनके बीच में कितने हैं? 60। तो अगर ये 60 है तो n के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, n साइन 60 और n कॉस 60। तो मतलब कि इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग टेंशन, जैसे टेंशन के कॉम्पोनेंट्स हैं इस केस में नॉर्मल रिएक्शन के कॉम्पोनेंट, ऐसे प्लस वन में बहुत बार करते थे। तो अब ये इक्विलिब्रियम में बॉल, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या? n कॉस 60, और mg इज इक्वल टू क्या? n साइन 60। तो ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मेन काम इसे फोर्स ड्रॉ करने का और कुछ काम ही नहीं है। ये देखो, तो n साइन 60 इज इक्वल टू mg, n साइन 60 इज इक्वल टू mg, तो यहाँ से n की वैल्यू mg बाय साइन 60, और n cos 60 इज इक्वल टू Fe। n cos 60 Fe का मतलब 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इस n को यहाँ से यहाँ पुट करके आंसर कैन बी कैलकुलेट। आंसर तो चलो फिर निकाल ही लोगे जो निकालना है, पर मेथड क्लियर है? बोलो। वेट का कंपोनेंट तो वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका कंपोनेंट कैसे बन सकता है? कैसे कैसे टेढ़ा है ये ऊपर? अच्छा, एम जी के साथ किए। हाँ हाँ ठीक है, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, ठीक है। यहां तक तो आपको मेथड क्लियर है? मेथड क्लियर है ये कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये क्वेश्चन कितने को डाउट है? डाउट है। इसकी ना इमेजिनेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है शुरू शुरू में, बाद में ठीक हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन और आएंगे तो ठीक हो जाएगा। देखो, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? सर डाउट है। अच्छा ठीक है, डाउट है। देखो, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है ए बी सी तीन चार्जेस हैं, क्यू 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 तीन कॉर्नर पे पड़े हुए हैं साइड ए। हाउ मेनी मिनिमम चार्जेस शुड बी प्लेस्ड ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस ए विद सेंटर एट ए। इस फिजिक्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताए क्या है? फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को समझना कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो देखो पहले क्वेश्चन समझना है, फिर माइंड में इमेजिन करना है कि क्वेश्चन की सही प्लेसमेंट होनी चाहिए, क्वेश्चन है क्या, फिर उसकी स्ट्रेटजी बनानी है कि हाँ ये इसका तोड़ निकलेगा ऐसा करता हूँ, फिर मैथ्स आना चाहिए और फिर कैलकुलेशन भी सही होनी चाहिए, तब जाके कहते हैं कि फिजिक्स ठीक है हमारी। तो एक भी पार्ट कमजोर है तो फिजिक्स में अटकेगा अटकेगा क्वेश्चन। तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी चलती हैं इसमें, तो प्रैक्टिस से ठीक होती है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि मेरे को वो कह रहा है कि तीन चार्जेस गिवन है ए बी सी पे,
तो तीन चार्जेस एबीसी पे गिवन है, मैं यहां नया डायग्राम बनाता हूं। देखो मेरे को इसमें तीन चार्जेस गिवन है एबीसी में, जैसे मैंने बताया, ये लो कितने कितने चार्जेस ने बताना जरा प्लीज। क्यू 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 है ना, हाँ क्यू क्यू एंड क्यू, और ये वर्टेक्स ए है, राइट। वो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मैं ए को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। चलो ठीक है, ए को सेंटर मानते हुए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया ए को सेंटर मानते हुए। वो कह रहा है इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे बताओ मैं कितने चार्जेज रखूं, कितने, एक दो तीन, ताकि ए के ऊपर नेट फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आए, वेयर ए इज दी रेडियस ऑफ सर्कल। ये आंसर आए, मतलब वो कह रहा है कि ए को सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल के ऊपर चार्जेज रखो सच दैट ए के ऊपर यही फोर्स आनी चाहिए और एक्स एक्सिस के अलोंग ही आनी चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। अब मुझे एक चीज पता है, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगी इधर, तो मेरा आंसर यहां पे तो आ नहीं पाएगा इसकी वजह से। तो एक काम करते हैं, एक चार्ज आप इसके सर्कमफ्रेंस पे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे यहां रखो, ताकि ये चार्ज इस चार्ज को क्या करे, रिपेल, और ये चार्ज भी क्या करे, रिपेल, पेंट। ताकि इसका इफेक्ट क्या हो जाए, कैंसिल। चलो काम खत्म हो गया, ठीक हो गया। अब ये चार्ज भी इसे क्या करेगा, रिपेल। अब इधर की जाती हुई फोर्स इधर तो फोर्स लगाएगी नहीं, तो एक चार्ज आप यहां पे रखो ताकि ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करे और ये चार्ज इसे रिपेल करे और आपस में क्या हो जाए, कैंसल। क्लियर है? अब ऐसा करने से प्रॉब्लम हो गई, क्या नेट फोर्स क्या आ गई, जीरो। इसने उसको कैंसिल किया, इसने उसको कैंसिल, बचा क्या, कुछ भी नहीं। एक काम करो, आपको फोर्स यहां चाहिए ना, तो आप एग्जैक्टली यहां पे चार्ज रखो क्यू। क्यू चार्ज जब यहां रखोगे तो ये चार्ज क्यू को रिपेल करेगा इतनी फोर्स से। आंसर आ गया, आंसर आ गया, ये तो चाहिए था। तो इसका मतलब इसके अफेक्ट को कैंसिल करवाया, इसको कैंसिल करवाया और इसने अपना आंसर दे दिया। तो कुल मिला के आपने कितने चार्जेस रखे, एक दो और तीन चार्जेस। आंसर है इसका, पॉइंट समझ में आ रहा है कि मेरे को मेरा आंसर इस तरफ ही चाहिए था। अब एक स्टूडेंट दूसरे बैच में कह रहा था, बोला कि अगर ऐसा ना गिवन होता कि इस तरफ ही आंसर चाहिए, कोई डायरेक्शन ना गिवन होती, फिर क्या आंसर होता, वन चार्ज। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये इसमें ना गिवन होता कि मेरे को फोर्स एक्स में चाहिए, तो वो एक्स में करने के लिए इनके इफेक्ट मुझे कैंसिल करने पड़े और एक और चार्ज प्लेस करना पड़ा। पर अगर ऐसा कुछ ना होता तो फिर मैं एक चार्ज की फोर्स को कैंसिल करवा देता, दूसरे ने आंसर दे देना था आंसर, तो वन चार्ज ही आंसर होता। ये वाली, ये चार्ज इस चार्ज को यहां रिपेल नहीं करेगा, तभी एक्स एक्सिस में आंसर आएगा जब इसकी स्ट्रेट लाइन में होगा, एक ही लाइन में होगा ना, क्योंकि नेट आंसर एक्स में ही चाहिए उसे, अलोंग एक्स एक्सिस। हमारी कैंसिल कैसे हो रही है, बाकियों की कैंसिल करके एक्स में ले आए। हाँ ऐसे मेथड समझ में आ रहा है सबको, पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे फिर आंसर ही नहीं आएगा। अगर लोगे तो कोई ना कोई कॉम्पोनेंट बच ही जाएगा, आएगा ही नहीं आंसर, करके देख लेना। आना होता वैसे ही पता लग जाता आगे आंसर नहीं आएगा। हाँ कॉम्पोनेंट लेके देख लेना, वो एक्स में भी देगा वाई में भी देगा, और पता नहीं एक्स कॉम्पोनेंट ऐड करके आंसर आएगा भी नहीं आएगा, ये भी नहीं पता, तो आंसर नहीं आ रहा ना, तो बस फिर बात खत्म हो गई। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। एक ना ये क्वेश्चन था, 13 कितने लोगों का हो गया, हो गया। थोड़ा ना डायग्राम ध्यान से देखने वाला है, कुछ नहीं इसके अंदर भी, एंगल्स थोड़े से ध्यान से और स्केल से जरा वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ही आंसर आएगा। देखो इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि आप सिमिलर चार्जेस गिवन है डी पे, सी पे, बी पे और ओ पे, क्यू 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 और क्यू, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि सबका डिस्टेंस ए ए ए एंड ए, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज ओ
ओ पे जो फोर्स लगेगी कौन लगाएगा, डी लगाएगा, सी लगाएगा, बी लगाएगा, तीन तीन लोग हैं फोर्स लगाने के लिए। तो जो भी ये फोर्सेस लगाएंगे ड्यू टू पी एंड डी, उसने कहा ओ पे कौन फोर्स लगाएगा, बी लगाएगा, एंड ओ पे एक और फोर्स कौन लगा रहा है, डी लगाएगा। ये जो भी फोर्सेस लगाएंगे इनकी फोर्स अलोंग सीओ इक्वल है। अलोंग सीओ इक्वल का मतलब क्या है, थोड़ा तो बड़ा डायग्राम बनाता हूं। वो ये कह रहा है कि सपोज करो आपके पास एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा, ठीक है। वो ये कह रहा है कि डी ओ के ऊपर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, कहां लगाएगा, ये लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्लियर है यहां तक। फिर वो कहता है कि बी बी भी ओ के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा, ये भी लगाएगा, बिल्कुल सही है। अब वो कहते हैं जो बी फोर्स लगाएगा ओ पे और जो डी फोर्स लगाएगा ओ पे उनकी वैल्यू इक्वल है, नहीं ये नहीं कहा, उनकी वैल्यू अलोंग सीओ इक्वल है, ये सीओ की लाइन है, इस लाइन के अलोंग इक्वल है, यानी कि मेरे को इसका कंपोनेंट इसके ऊपर निकालना है और इसका कंपोनेंट इसके ऊपर निकालना है, वो कंपोनेंट कंपोनेंट की वैल्यू इक्वल है और वो कंपोनेंट किसके अलोंग लेने, अलोंग सीओ, तो सीओ के अलोंग इक्वल है। तो रूल समझ में आया, वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, इसने क्वेश्चन में ये कहा कि यहां पे डी फोर्स लगाएगा ओ पे, बी फोर्स लगाएगा ओ पे, तो इस फोर्स की वैल्यू अलोंग सीओ एंड इस फोर्स की वैल्यू अलोंग सीओ बराबर है। तो एक काम करें, पहले इस फोर्स को निकालते हैं, इसका कंपोनेंट निकालते हैं, इस फोर्स को निकालते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं, दोनों कंपोनेंट्स को इक्वल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा अपने आप। तो देखो कैसे, इसके अंदर ना ये एंगल्स ही कमाल की चीज है और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें करने वाला। जैसे जैसे सपोज ये लो, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ठीक। इसके अंदर सबसे पहली चीज एंगल्स गिवन क्या है, इसको एक बार जरा ध्यान से देख लेते हैं। देखो आपको ये एंगल कितना गिवन है, थीटा वन, ये कितना गिवन है, थीटा टू, और ये कितना गिवन है, थीटा थ्री। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर मैं कहूंगी मुझे ये एंगल चाहिए, तो मैं शेड कर रहा हूं, ये जो एंगल होगा वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसके साथ, राइट। तो अगर ये एंगल टोटल थीटा थ्री है, ये थीटा टू है, तो ये एंगल कितना है, थीटा थ्री माइनस थीटा टू है। तो अगर ये थीटा थ्री माइनस थीटा टू, ये भी क्या होगा, थीटा थ्री माइनस थीटा टू। क्या स्टेप क्लियर है पहला, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अगर मेरे को ये एंगल चाहिए, मैं शेड कर रहा हूं, ये एंगल एंड ये वाला एंगल आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो अगर ये एंगल टोटल थीटा टू है, ये थीटा वन है, तो ये कितना है, थीटा टू माइनस, तो सही है ये एंगल भी, तो वर्टिकली ऑपोजिट से दोनों एंगल्स आ गई है, क्लियर है यहां तक, ठीक। कोई डाउट इसमें, अब इसमें इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन क्या बनेगा, दिस फोर्स इंटू कॉस ऑफ थीटा थ्री माइनस थीटा टू, और इस फोर्स का कंपोनेंट इसके अलोंग क्या बनेगा, एफ ऑफ डी ओ कॉस ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन। और वो क्या कह रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो इक्वेट करके देखें। तो इस क्वेश्चन में ये फोर्सेस को हमने निकाला, ये फोर्सेस को हमने निकाल लिया, अब इनके कंपोनेंट्स को इक्वेट करते हैं। तो कंपोनेंट्स में इक्वेट करने का मतलब, ये लो ये दोनों कंपोनेंट्स मैंने क्या कर दिया, इन्हें इक्वेट कर दिया, ये लो फोर्स का मैग्नीट्यूड चार्जेस का बराबर है, तो ये कट जाएगा और अंदर वाले एंगल इक्वेट हो जाएंगे, इक्वेट होके ही आपका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, अंदर कुछ नहीं है इसके, फोर्स इक्वेट करके एंगल की रेशियो, एंगल के बीच में रिलेशन निकालना है, क्या रिलेशन है। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, सारी गेम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की है। आप अगर ये पूछो मुझसे कि सर इस आज के लेक्चर में से या पुराने लेक्चर में से कितना आएगा पेपर में, सीबीएसई में 2 नंबर का आएगा, कंपटीशन में शायद 1 नंबर, 1 क्वेश्चन आ जाए शायद,
आप कहोगे फिर ये चार लेक्चर किस लिए? ये ब्रेन की एक्सरसाइज है, ये ब्रेन की ट्यूनिंग हो रही है कि आप चार्जेस को ठीक तरीके से पहले समझ लो, आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा वेक्टर कहाँ पर लगेगा, ये उसी की प्रैक्टिस हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस तो सर। अगली बार हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सही चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और अब आपको इजी भी लगेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इससे नीचे रहेगा। ठीक, जा सकते हो। सर।